जनपद प्रधानमंत्री आवास में मची लूट। यह मामला है बहोरीवन जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत छपरा का, जहां सरपंच सचिव प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से ले रहे 5 से 10 हजार रिश्वत, जिसकी शिकायत आज ग्रामीणों ने कटनी कलेक्टर व जिला सीईओ को दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि यदि हमें 5,000 से 10,000 सरपंच सचिव पहली किश्त आने में ले लेते हैं तो हमारा मकान कैसे बनेगा। सचिव ने कहा कि वह तो पैसा लगा के ही चाहे, आप कुछ भी करो। हीरा विश्वकर्मा, कटनी। कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है आपका? ये हुआ कि पाँच पाँच दस दस हजार मांग रहे हैं। कौन मांग रहा? सचो सरपंच और ये मिलके, और पैसा नहीं निकालते हैं। तो फिर हम कौन कर्जा उर्जा करके फिर 5,000 दिए और किस्त अभी रुकी है। इसकी शिकायत आपने कहीं की? नहीं, कहीं नहीं, कहीं यहाँ का ये जो क्या बोलते हैं ये कलेक्टर साहब। कब की है कलेक्ट्रेट में? आज की है। क्या बोले कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब कहते हैं देखते हैं उसकी चेंजिंग करेंगे। क्या नाम है आपका? मिठू नाम है। किस गांव से आए हैं? छपरा। अम्मा बताएं। हमारी किस्त निकली शुरू में 25,000, तो सचो गांव का लालस 5,000, 10,000 निकली तो 5,000 लालस। कौन सी ग्राम पंचायत का मामला है बता दे? छपरा का। किस बात के 5,000 ले लिया आपसे? सबसे लालस तो हम उसे लालस मकान का, हम सब काम बना भी तो हम 5,000 ले लेंगे। तो पहले से मांगत रहा हूँ, तो हम पहुँचाए नहीं है पहले से, तो कहे बैंक से निकाली है, हम तत्काल निकाल रही है, बाहर आए हूँ, लालस 5,000। क्या नाम है आपका? ए, आप छोटी भाई बर्मन। शिकायत के संबंध में कल नीरा जी के द्वारा मुझे बताया गया था कि ऐसे शिकायत करता है जो वहाँ पे कटनी कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं, इनके द्वारा शिकायत की गई है। और अभी शिकायत की प्रति आपने मुझे दिखाई है, और इस संबंध में मुझे एक बार और जानकारी प्राप्त हुई थी कि ऐसी कोई शिकायत है। इसकी जाँच के लिए हमने BCPMA भाई अखिलेश वर्मा को वहाँ पर भेजा था, उसमें स्वयं हितग्राहियों के द्वारा ऐसा होगा। तभी मेरे पास जांच रिपोर्ट के नहीं आई है, पर ऐसा बताया गया था कि उनके द्वारा कहा गया कि हमसे कोई राशि नहीं ली गई है। अभी भी ये शिकायत है, मुझे आज प्राप्त हुई है, मैं टीम बना के वहाँ भेज दूंगी, और जिस शिकायतकर्ता के द्वारा ये शिकायत कराई जा रही है, वहाँ ऐसा मामला संज्ञान में आया है कि कोई व्यक्ति है जो आपसे रंजिश के कारण से इस तरह की शिकायत। खैर अभी फाइनली अपन इसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं, बट जाँच करा के जो भी फाइनली निकलेगा मैं आपको अवगत करा। देखा जा रहा है मैडम, यहाँ पे तो एक है नहीं, कई गांव के लोग हैं, एक व्यक्ति इसमें नहीं है, इसमें कई गांव के व्यक्तियों का नाम है, तो एक व्यक्ति हो तो समझ में गया, कई लोग इसमें शिकायत करते नजर आ रहे हैं, और इनके खिलाफ तो पहले भी कई बार शिकायतें हो चुकी हैं। कई बार तो मेरे पास शिकायत नहीं आई है, सिर्फ दो हितग्राही थे जिनके संबंध में शिकायत आई थी कि उनसे पैसा, तब जाकर मैंने BCPMA को वहाँ भेजा था, वो जाके उनसे पूछा, तब उनके द्वारा खुद बाद में बताया गया कि नहीं, हमसे हस्ताक्षर कराए गए थे और हमें पैसा मिला, हमने किसी को कोई राशि नहीं दी। और यदि अधिक लोगों के द्वारा शिकायत की, क्योंकि शिकायत के प्रति अभी मुझे नहीं मिली है, तो वन बाय वन जितने भी हितग्राही हैं उनके द्वारा, और यदि इसमें सरपंच सचिव या GRS कोई भी दोषी पाया जाता है तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि हितग्राही मूलक योजना है। हितग्राहियों को इसीलिए शासन पैसा दे रहा है कि आप अपने घर का निर्माण स्वयं के द्वारा अच्छे निर्माण कराए, उसमें रहे, तो कोई इसमें पैसा लेने की बात ही नहीं पैदा। GRS ऐसा कर रहे हैं तो कार्रवाई करेंगे उसके।